हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो में हम थर्ड लेक्चर देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का, और इसमें हम चैप्टर वन करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था, उसमें हमने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं वो देखे थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है सो प्लीज़ वो वीडियोज़ पहले देखिए ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, और जब हम आगे इस वीडियो में आगे के टॉपिक्स पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी मिसमैच या ब्रेक ना लगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट या ब्रेन जो किसे कहते हैं, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी ही जो कंटेंट है मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बना रही हूँ, एनसीईआरटी चैप्टर वन का 1.1 सेक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, और उसका जो 1.1.1 है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था ब्लॉक डायग्राम में भी और उससे फर्स्ट लेक्चर में भी, कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को। तो सीपीयू के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले सीपीयू के बारे में जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए वो है उसकी बेसिक डेफिनेशन। सो सीपीयू एक वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री है जहाँ पे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन हैंडल करता है, कोई भी हम काम जो करते हैं वो ब्रेन उसकी या तो कमांड देता है, हम कुछ अगर अपनी आईज़ नोज़ ईयर्स से इनपुट लेते हैं अपने बॉडी में तो ब्रेन उसे प्रोसेस करके कुछ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स देता है। उसी तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू को भी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, या फिर शॉर्ट में उसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, और वो मेन सर्किट्री है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग सारे काम किए जाते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अब आजकल के जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें सीपीयू एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप से बना होता है। माइक्रोचिप्स मतलब बहुत ही स्मॉल सर्किट बोर्ड्स, माइक्रोचिप्स, माइक्रो रेफर्स टू द साइज, बहुत ही स्मॉल छोटी चिप्स होती हैं जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। सो आपको यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब कर रहा है सीपीयू में, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया जाता है कि सीपीयू जो है वो जो मेमोरी होती है उससे, उसमें जो डेटा है या उसमें जो प्रोग्राम स्टोर्ड है वो प्रोग्राम्स और डेटा या तो फेच करता है यानी वहाँ से पिक करके यूज़ करता है, या फिर वहाँ पे कंटेंट सेव करता है। और इसी तरीके से एरिथमेटिक यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि सीपीयू अपने आप में तीन मेन चीज़ों का बना हुआ होता है, जिसे हम ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है, सो उस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप ये कंटेंट, ये 1.1.1 सेक्शन अपना पढ़ें। सीपीयू बेसिकली जो मेमोरी यूज़ करता है वो रजिस्टर्स होते हैं। सीपीयू की खुद की जो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी की जब हम बात करते हैं उसे हम रजिस्टर्स भी कहते हैं, और रजिस्टर बेसिकली फिक्स होते हैं नंबर में, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के पास। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अनलिमिटेड या बहुत ज़्यादा अमाउंट की रजिस्टर्स नहीं होते, नंबर ऑफ रजिस्टर्स फिक्स्ड होते हैं और उनका साइज़ भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, और ये रजिस्टर्स किस काम आते हैं, ये या तो डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के काम आते हैं, या अगर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं ALU में और उनके इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने हैं तो वो उन्हें भी स्टोर करने के काम आते हैं। तो सीपीयू की जो मेमोरी है वो रजिस्टर्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि अपार्ट फ्रॉम रजिस्टर्स यानी अपार्ट फ्रॉम द मेन मेमोरी, जो दो और यूनिट्स हैं सीपीयू की, वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरी है कंट्रोल यूनिट, जिसे आप सीयू भी कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और कंट्रोल यूनिट बेसिकली बाकी सारा इंट्रैक्शन और बाकी सारा डेटा फ्लो, इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन हैंडल करती है। सो कंट्रोल यूनिट एक
तरह का सेंटर पीस ऑफ सीपीयू आप कह सकते हैं। अगर कोई इनपुट डिवाइस से डेटा आता है, हमने देखा था कि अगर ये सीपीयू है ब्लॉक डायग्राम में, यहाँ से आपका इनपुट आता है थ्रू इनपुट डिवाइस, और यहाँ पे आप सीपीयू से कुछ आउटपुट जाता है थ्रू आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और अगर कोई सेकेंडरी स्टोरेज है तो वो भी सीपीयू एक्सेस करता है। तो सीपीयू में अगर कोई इनपुट आ रहा है तो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि क्या वो इनपुट मेमोरी में स्टोर करना है, क्या उसे ALU के पास भेजना है, क्या उसे आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कराना है या भेजना है। और विद इन द थ्री कॉम्पोनेंट्स यानी ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी के बीच की जो आपस में इंट्रैक्शन होती है ताकि कंप्यूटर सही से काम करे, वो भी सारा कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। सो कंट्रोल यूनिट बेसिकली सारा काम मैनेज करता है। और वो काम क्या क्या है अगर आप लिखना चाहें तो, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास कंप्यूटर में। प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब किसी भी टास्क को करने के लिए आपके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन्हें एक के बाद एक किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके को हर इंस्ट्रक्शन को समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है और सही से टास्क पूरा करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है, जो कि CPU का मेन पार्ट है अपार्ट फ्रॉम ALU और रजिस्टर्स, ठीक है। सो अब ये सारा जो हमने आज CPU के बारे में पढ़ा, मैंने कुछ पॉइंट्स में समराइज़ किया है। चाहे आपको ये नोट्स की तरह आप ले सकते हैं, चाहे समरी की तरह आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक नोट्स के फॉर्म में भी हमें कुछ प्रोवाइड कीजिए ताकि हमारी लर्निंग ईजियर हो सके। सो आज की वीडियो में हमने जो मेन पॉइंट्स देखे वो है CPU के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या फिर शॉर्ट में प्रोसेसर भी कहा जाता है। दूसरी मेन बात CPU की डेफिनेशन। CPU की क्या डेफिनेशन है? कि वो मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री है जहाँ पे कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्री, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो CPU है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप से बना हुआ होता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स या IC कहते हैं। और ये IC सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। ऑलराइट, थर्ड चीज़ जो या थर्ड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है CPU के बारे में, वो है उसके कॉम्पोनेंट्स। CPU के खुद के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। ALU मैंने आपको बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस क्या होते हैं? डेटा फ्लो, डेटा किस डिवाइस से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ सेव करना है, कहाँ से रिट्रीव करना है, वो मैनेज करता है कंट्रोल यूनिट। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है कि इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि जो टास्क है वो पूरा हो सके, जो भी इंस्ट्रक्शन आई है टास्क परफॉर्म करने की यूज़र की तरफ से, ठीक है। और हर इंस्ट्रक्शन को सही से इंटरप्रेट करता है, प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन लिखी है उसे सही से इंटरप्रेट करता है और टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ द CPU इज़ द मेमोरी, जिसे हम बेसिकली रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स किस लिए काम आते हैं? डेटा को सेव करने के लिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट सेव करने के लिए, या फिर इंस्ट्रक्शंस भी सेव करने के लिए। आगे आप चल के देखेंगे, जब आप शायद अगर डिटेल में आगे कंप्यूटर साइंस कोर्स लेते हैं, तो इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली फेच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। हर चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक रजिस्टर होता है, जो CPU में मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, एक डेडिकेटेड डेटा रजिस्टर होता है। सो इन सब के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे अगर आप अपने कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस डिटेल में लेते हैं। सो आज के लेक्चर का ये थी समरी, आप इसे नोट कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस लेक्चर सीरीज़। इसमें हम पूरा क्लास 11th कंप्यूटर साइंस NCERT की बुक से कवर करेंगे और क्वेश्चंस भी लेंगे, थ्योरी भी लेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन माइंड योर एग्जाम।